हाय एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोग जेईई एडवांस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यार कई बार क्या होता है कि देखो, हर एक बच्चा वो टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 की रैंक की रेंज में पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं होता ना। उसमें 2000 बच्चे ही पहुँच पाएंगे अब टॉप 2000, सब लोग तो नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ लोगों के टारगेट्स थोड़े कम होते हैं कि यार मेरे अगर ये पर्टिकुलर रेंज में भी नंबर आ जाए ना, इतने भी आ जाए, लेट से मैं 80 नंबर भी ला पाऊँ, मैं 100 भी ला पाऊँ, तो मेरे को फलानी फलानी आईआईटी में ये ब्रांच मिल जाएगी, या मेरी कैटेगरी है तो कैटेगरी की हेल्प से मैं ये पर्टिकुलर ब्रांच को पास होता हूँ अगर मेरे थोड़े से भी नंबर आ जाए। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका बहुत हाई टारगेट नहीं है और वो चाहते हैं कि अगले 15 डेज में लेट से मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे मैं अपने बेयर मिनिमम जो टारगेट्स हैं मेरे, कि मेरे को लेट से ये फलानी आईआईटी में ये ब्रांच मिल जाए ना, कोई भी ब्रांच हो। मतलब कई बार होता है, हमारा सपना होता है कि मेरे को आईआईटी का टैग ही लेना है, और बाद में जैसे जैसे आईआईटी का टैग मिल गया फिर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, आप फाइनेंस में चले जाते हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, आप एमबीए कर लेते, तो अलग अलग तरह के आगे करियर्स ओपन हो जाते। तो आईआईटी का टैग की जो वैल्यू है वो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस वैल्यू को समझते हैं। तो अगले 15 दिन में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक पूरा 5 ईयर का एनालिसिस भी दिखाऊंगा, लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू, डोंट वरी। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आपको मतलब जितने भी चैप्टर्स आपको करंट आते हैं, लेट से आपको अभी एक्स चैप्टर्स आते हैं ना पर सब्जेक्ट, लेट से आप एक्स चैप्टर जानते हो, लेट से 5 चैप्टर जानते हो हर सब्जेक्ट में, है ना, और उससे ज़्यादा नहीं जानते, तो वो 5 चैप्टर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेट सपोज एडवांस में बन जाते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगले 15 दिन में आप हर सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स और ऐड कर लीजिए, है ना, जस्ट ऐड 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट पर। मतलब क्या क्या ये 3 चैप्टर एकदम फ्रेश वाले कर लें, है ना? नहीं, फ्रेश नहीं, ये ऐसे चैप्टर जो आपने पढ़ तो रखे हैं लेकिन इनके क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो अगले 15 दिन में अगर मैं 5 दिन एक चैप्टर को देता हूँ, 5 डेज टू 1 चैप्टर, तो मेरे हिसाब से पर सब्जेक्ट आप 3 चैप्टर तो प्रिपेयर कर ही पाएंगे, इतना तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने स्कोर में, है ना। और कौन से 3 चैप्टर करने हैं वो हमें लास्ट के 5 ईयर के एनालिसिस से पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और आप देखिए आपने कौन से चैप्टर कर लिए और कौन से रहते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, कौन से 3 चैप्टरों के वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एनालिसिस जरूर दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कुछ कुछ हाइलाइट्स करा है मैंने इधर, लेट मी जस्ट यूज दिस लेजर पॉइंटर। देखिए यहाँ पे जैसे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये एक अच्छा टॉपिक, ठीक है। हालांकि रीसेंट ईयर में इसमें से क्वेश्चन कम आए हैं, बट पहले आए थे 2021 में काफी क्वेश्चन आए थे। कई बार क्या होता है ना, पैसेज आ जाता है तो उस हिसाब से फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल है, ये काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल को अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आप कर सकते हैं 2 यूनिट, इसमें से भी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए। और यहाँ पे देखिए 9 और 16 ना 25 क्वेश्चन बनते हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के। मतलब अगर आपने ये चैप्टर छोड़ रखे हैं या इनके क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे तो इनको आप उन 3 चैप्टर की लिस्ट में डाल सकते हैं, है ना। तो 2 चैप्टर आपके ये वाले निकल आएंगे, स्टैंड अलोन है तो किए जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 18 क्वेश्चन है, 18 5 साल में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, दिस विल ऑल्सो गिव यू एडिशनल मार्क्स, है ना, दिस विल ऑल्सो गिव यू एडिशनल मार्क्स, ये आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी पूछा गया, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उससे आपको ओवरऑल मैथमेटिक्स भी इम्पैक्ट करेगा, ओवरऑल मैथ छोड़िए आपके फिजिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने छोड़ रखा है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ, आपको देखना है आपने कौन से छोड़ रखे, ठीक है। जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया, फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल, ये इजियर साइड पे होते हैं स्ट्रेट लाइन सर्कल, लेकिन इनके क्वेश्चन बहुत लॉजिकल आते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल की। अगर आपने काफ़ी हद तक पहले पढ़ रखा है अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप इसको ऐड इन कर सकते हैं अपने उस लिस्ट में, ठीक है। तो आपको देखना है, जैसे यहाँ पे मैट्रिसेस डोमिनेंट है, मैट्रिसेस डोमिनेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है, लेंथियर साइड पे आता है मैं कहूँगा, तो 15 क्वेश्चन है उसके। तो आप इस लिस्ट की, इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं, टेबल आपके सामने है, इस टेबल की मदद से आप पहचानिए कि कौन कौन से चैप्टर आप कर चुके हैं और कौन से आप और कर सकते हैं ना, ये वाले चैप्टर मैं और कर सकता हूँ। तो वो अगर आप 3 ऐसे चैप्टर ढूंढ लें जिनकी वेटेज अच्छी है, विच हैव हाई वेटेज एंड विच यू कैन कवर इन द नेक्स्ट 15 डेज, है ना, पर सब्जेक्ट, ये तो मैथ्स का दिखाया मैंने, ऐसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एनालिसिस करके 3 चैप्टर निकालने पड़े जो हाई प्रोबेबल है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है और जिनको आप अच्छे से अगले 15 दिन में प्रिपेयर करके, बेसिकली
आज आपका एक पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है और आप आज उन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद आप उन 3 चैप्टर के क्वेश्चन बना पाए। अब पर सब्जेक्ट 3 चैप्टर, 5 दिन में 1 चैप्टर तो डुएबल है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। तो इन 3 चैप्टर में से अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के बेसिस पे आपके स्कोर पे 18 से 20 नंबर का अगर इम्पैक्ट पड़ता है ना, 3 चैप्टर, 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का भी मैं मिनिमम मानूँ, मल्टीपल चॉइस में तो ज़्यादा भी आए थे, तो कम से कम मिनिमम भी मानूँ, तो तब भी आप 20 को पक्का टच करेंगे, मतलब आपका 20 नंबर का बूस्ट आएगा एक सब्जेक्ट में। और 3 सब्जेक्ट में अगर मैं देखूँ तो 60 मार्क्स का आपका जो बूस्ट है वो डेफिनेटली है। अब 60 मार्क्स में से अगर कुछ नंबर कम भी होते हैं, फिर भी आप देखिए 40 से 60 नंबर का बूस्ट आप ला सकते हैं करंट स्कोर में। यानी कि अगर आज आज की डेट में आप 60 नंबर पर बैठे तो आप इसको 100 तक ले जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन आपको बहुत फोकस्ड वे में अगले 15 दिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, और आपको अपने जेई एडवांस के जो मॉक टेस्ट है वो भी डेफिनेटली देने, उन्हीं से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक है, क्योंकि चैप्टर्स के एनालिसिस, टेस्ट के एनालिसिस करेंगे ना, तो वहीं से आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आप इस टेबल को यूटिलाइज करिए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज आप सबके लिए आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।